हेलो स्टूडेंट्स, आज आ गए हैं हम केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर की ओर। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने ओवरलैपिंग के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी, उसके टाइप के बारे में बात कर लिया था। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो किसकी बात करेंगे, बॉन्ड पैरामीटर की और फॉर्मल चार्ज की। बॉन्ड पैरामीटर की अगर आपको पता है तो बॉन्ड मतलब कोई भी कोवेलेंट या कोई भी बॉन्ड बन गया है, उस बॉन्ड को बनने के बाद हमें उसके बारे में क्या क्या नॉलेज हमें मिल सकती है, जैसे कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी और उसके साथ बॉन्ड एंगल क्या होगा। अगर हमें ये सब चीज पता चल जाएगी तो ये नीट के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने का चांस मैं मानता हूं कि इस केमिकल बॉन्डिंग में से क्वेश्चन चांस बनेगा, तो एक तो वीएससीपीआर थ्योरी से बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा, ओवरलैपिंग से बनेगा और एक यहां से बनता है, ध्यान रहे, और एक अमोटी से बनता है। तो अगर यहां से बनने का चांस इंपॉर्टेंट है तो आज की क्लास आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अगर मान लो आपने आज ही इसको देखना, मान लो क्लास को देखना स्टार्ट किया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इजिली लर्न विद स्माइल नाम से प्ले स्टोर पे जाना है और क्या करना है, वहां पे एक एप्लीकेशन मिलेगा इस नेम से, आपको उसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, आप उसको क्रिएट अ न्यू अकाउंट करोगे। जैसे ही क्रिएट अ न्यू अकाउंट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, इसमें क्या क्या है, आपको अपना नेम फिल करना है, आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है, आपका जेंडर फिल करना है, साथ में लोकेशन फिल करनी है और साथ ही साथ हमें क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर भी यहां फिल कर देना है और उसके बाद क्या कर देना, इसके बाद वेरीफाई विद ओटीपी कर देना। जैसे हम वेरीफाई विद ओटीपी करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास टेक्स्ट मैसेज के रूप में ओटीपी आएगा, उसको यहां फिल कर देना है और लास्ट में यहां वेरीफाई करना है। तो आपका एक अकाउंट प्ले स्टोर मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए इजिली चैनल पे या इजिली के ऐप पर बन गया था। चलें उसके बाद अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ किस किस की प्रिपरेशन हम करवाते हैं, तो हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन कराते हैं, आईआईटीजी की, नीट की, बैंक की और एसएससी की, उसके साथ क्लास 11th और 12th, चाहे से सीबीएसई हो, आरबीएससी हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो। उसके अलावा कराई जाती है प्रिपरेशन सीयूईटी की, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ओके चलते हैं आगे की ओर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, 11th क्लास। 11th क्लास का जो बैच है उसके बैच का नाम क्या रखा गया है, प्रारंभ बैच फॉर नीट और क्लास 11th। उसी के साथ क्लास 12th के लिए कौन चल रहा है, टॉपर बैच चल रहा है, जो कि किसके लिए चल रहा है, नीट और सेम 12th क्लास के लिए चल रहा है। उसके अलावा एसएससी की, बैंकिंग की, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की, ये सारी क्लासें। और अप्रोक्स में बात करना चाहूं तो 2000 वीडियो आपको यहां मिल जाएंगे। केवल क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, वीडियो देखना है और अपनी प्रिपरेशन को क्या करना है, बूस्ट कर देना है अच्छे से। चले आगे की ओर। अभी हम बात कर रहे हैं प्रारंभ बैच की। अभी देखो इसकी फीस कितनी है, 8,999 रुपीज। लेकिन जैसे हम एड टू कार्ड के ऊपर फ्री इजिली कूपन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका जो प्रारंभ बैच का जो क्लासें हैं वो क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिखाई देती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है, बॉन्ड पैरामीटर और दूसरा क्या है, फॉर्मल चार्ज। तो चलते हैं बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है। देखो कोई भी बॉन्ड को मेजरमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, वो पहला पॉइंट क्या आ गया अपने पास, बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कोई भी बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड बनने के बाद दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बस में आगे चीज जैसे कि ये है, मान लो ये दोनों आपस में क्या है, दो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट के बीच मान लो क्या है, बॉन्ड बन रखा है, माना कि बॉन्ड बन रखा है, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपको बॉन्ड लेंथ कहलाती है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं साहब, हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, देखो इधर हम क्या पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसकी कंडीशन क्या बताएगी कि जब भी कोई टू नॉन मेटल आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो शेयरिंग करने पर क्या बनेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। माना कि मेरे पास ये है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या है मेरे पास, सेकंड एलिमेंट है। एग्जांपल किसकी बात कर रहा हूं, मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, ये इसका न्यूक्लियस, सपोज ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो यहां है, तो यहां न्यूक्लियस से लेकर यहां इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जितनी भी होगी ना, वो क्या हो गई, यहां से लेकर यहां तक की, इसको हम बोलते हैं क्या साहब, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। बात समझ में आ गई, बॉन्ड लेंथ समझ आ गई। इसी के साथ क्या बताया गया है कि बॉन्ड लेंथ तो आपको समझ आ गई। अब चलते हैं, अब इसके में क्या होता है, अभी कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ समझ आ गई। अब चलते हैं कोवेलेंट रेडियाई के बारे में बताता हूं यहां पे, कोवेलेंट रेडियाई।
तो साहब कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय टू। ध्यान रहे, अगर कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ हमें पता है तो उसका हाफ करने पर हमें कोवेलेंट रेडियाई मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आता तो नहीं आनी चाहिए, आएगी भी नहीं मेरे हिसाब से। चलते हैं आगे की ओर। आगे देखो क्या है, अब बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पास में आ गई, हम बॉन्ड लेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले चीज ध्यान रहे, हमें अगर मान लो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसमें कुछ होता है, फैक्टर काम आते हैं। कौन से साहब आते हैं, क्या कैसा आते हैं, फैक्टर काम में आते हैं। अब फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला फैक्टर जो आ रहा है आपके सामने, पहला फैक्टर है कौन सा, बॉन्ड लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब पहली बात जो बात करना चाह रहा हूं, बॉन्ड लेंथ तो आपको समझ आ गई, अब डिफरेंस किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो भी देख लो एक बार, मान लो आज कोई फर्स्ट बच्चा देख रहा हो तो वो भी देख लो एक बार, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो देखो साहब कि मान लो कोई भी मेरे पास बॉन्ड बना हुआ है, सपोज ये ए और बी के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बना हुआ है तो कोई एलिमेंट, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो इस पूरी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। लास्ट वाले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने डिटेल से बात कर ली थी। यहां मैं डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा हूं कि मतलब मान लो क्या है, कोई एक क्या है, कोई एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो ज्यादा है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम है तो मतलब कोई डिफरेंस होगा नहीं, लेकिन यहां क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है दोनों की। जब दोनों की डिफरेंट होगी तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक क्या होता है, या उसमें क्या होता है, चार्ज पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या इसको एक और बोलूं, एक और बात, एक और मान लो, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो बोलूं कि मान लो कोई बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। चलें आगे बात करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, देखो साहब यहां पे इसका एक ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है साहब, इसका एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन कार्बन सल्फर आयोडीन और हाइड्रोजन, ये है क्या है, क्या साहब, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्या है मेरे पास, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, फ्लोरीन की होती है। तो माना मैं यहां एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, मैंने एग्जांपल क्या लिया साहब, मैंने लिया एग्जांपल, मैंने ले लिया यहां पे HF और मैंने साथ में क्या ले लिया, HCl HBr और HI। देखो H यहां आ रहा है, F कहां आ रहा है, ऊपर ही ऊपर, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहां ज्यादा है मतलब यहां लिख दिया मैं डिफरेंस ज्यादा, सीमेंट समझ आ गया, यहां डिफरेंस थोड़ा सा कम, यहां डिफरेंस थोड़ा सा और कम, और यहां डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल ही कम होता है। बस में आ गई, यहां सबसे ज्यादा, यहां कम, यहां और कम, यहां सबसे कम। तो हमें क्या चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, मींस क्या है, सबसे कम होना चाहिए। सबसे कम किसका होगा साहब, HI का होगा। तो जब HI का इसके अंदर कम होता है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आता है HI HBr HCl HF। बात पूरी समझ में आ जानी चाहिए, आ गई, चलते हैं आगे की ओर। दूसरा देखो, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल किसके, एटॉमिक साइज की। अब एटॉमिक साइज क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट है उसकी जो शेप मतलब उसकी साइज होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं। अब चलते हैं, देखो मैंने एग्जांपल लिया, माना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और साथ में मैंने क्या ले लिया, आयोडीन। ये मेरे पास क्या है, फोर एलिमेंट है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर क्या बोलता है कि बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर जितना ज्यादा क्या है एलिमेंट बड़ा होगा तो उसकी क्या है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये है, मेरा हाथ इतना मान लो ये है, मेरा हाथ है ना, तो मान लो मेरा ये, मैं इसे रोटेट कर रहा हूं सपोज,
ये मेरा क्या होगी, साइज होगी। अब मान लो कोई मेरे से बड़ा आ गया, डबल साइज का आ गया, तो उसके हाथ क्या हो, थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो मतलब साइज बड़े हो जाएंगे, ये क्या है, एज ए रेडियाई को कंसीडर करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो यहां देखो साइज किसी वीडियो की सबसे ज्यादा, आयोडीन की साइज सबसे ज्यादा बड़ी है, तो मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। तो ऑर्डर क्या आएगा इसका, ऑर्डर आएगा साहब I2, Br2, Cl2 और F2। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे की ओर। कॉन्सेप्ट समय आ गया होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहे हैं, बॉन्ड लेंथ डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वैसे तो हम क्या करें, बाद में डिटेल करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा बता देता हूं। एक एग्जाम्पल है PCl5। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल। कैसा होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, देखो ये है इसके अंदर स्ट्रक्चर, ये है फॉस्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक। ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें बात करना चाह रहा हूं तो देखो ये वाले जो बॉन्ड हैं, मतलब ऊपर और नीचे की साइड, इन दोनों बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। और दूसरे जो अंदर की साइड है ये वाले बॉन्ड, इनको क्या बोलते हैं, हम इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। तो ये एक्सियल बॉन्ड है, ये कौन से, इक्विटोरियल बॉन्ड है। तो एक जो एक्सियल बॉन्ड है, तो यहां ध्यान क्या रखना है आपको कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट ये बोलता है इस जगह कि जो एक्सियल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी किसके साथ, किसके कंपेरिजन, इक्विटोरियल की। ध्यान रहे ये चीज भी आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है। आपको क्या करना है उसके अंदर, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्या करना है, फिक्स रखना है। चले आगे, फोर्थ पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलना चाह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोन पेयर रिपल्शन फोर्स। फोर्थ क्या गया पॉइंट, लोन पेयर रिपल्शन फोर्स। अब देखो लोन पेयर रिपल्शन फोर्स को समझाने से पहले मैं एक थोड़ा डिटेल से चलना चाहता हूं। तो डिटेल क्या बोलती है, देखो लास्ट वाले जो क्लास थी उसमें एक चीज लिखी थी मैंने यहां पे, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये मैंने लास्ट वाली क्लास में मेजर कर दिया था। इसमें क्या बताया था कि ये किसका था, ये रिपल्शन का ऑर्डर था, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वहां इसकी डिटेल से मैंने बात नहीं कर दी। अब मैं थोड़ा यहां बात कर लेता हूं, उसके बाद अपने टॉपिक पे चलता हूं। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये रिपल्शन रिपल्शन किसमें, लोन पेयर के अंदर ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में बिल्कुल ही कम होता है। चलते हैं आगे, देखो कैसे। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, कोई मान लो सेंट्रल में एक मेटल मान ली, इसकी वैलेंसी कितनी मान ली साहब, मैंने इसकी वैलेंसी वैलेंसी तो मैं चलो भूल जाते हैं, वैलेंसी की वैलेंसी कुछ नहीं, इसके पास क्या है, स्पेस है, क्या है इसके पास, स्पेस क्या है, खाली जगह पड़ी है, वहां क्या है, जुड़ना चाहते हैं। सपोज मैंने यहां क्या कर दिया, एक यहां पे एक लोन पेयर लगा दिया, और मैंने यहां क्या कर दिया, लोन पेयर लगा दिया। तो लोन पेयर में क्या होते हैं साहब, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन की एक क्या होती है, नेचर होती है, नेचर क्या होती है कि ये क्या करते हैं, मूव करते रहेंगे, क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। और मूव कहां करेंगे, जितनी ज्यादा पॉसिबल हो उतनी ज्यादा लोकेशन में पॉसिबल, क्या करेंगे, ये मूव करेंगे पॉसिबल में, जितनी ज्यादा इनको जगह मिलती है वहां पे क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखो दो लोन दो क्या है, पेयर है इलेक्ट्रॉन के। तो ये भी क्या करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो ये रूम है, तो यहां पैनल पे मान लो मैं यहां लोन पेयर लगा देता हूं, तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इस पूरे रूम में घूमे, क्या करेंगे, ये पूरी ग्रुप में घूमे। जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैंने एक जगह लाके फिक्स कर दिया, इसके बाद अटैच कर दिया, तो इनके पास क्या कोशिश हो गई कि साहब मैं इनके पास और लंबी जगह, मतलब यहां तो मैं लटका हुआ हूं, मैं तो यहां लटका हुआ हूं इसके पास, लेकिन मैं क्या करूं, मैक्सिमम स्पेस गेन करूं। तो ये क्या करना चाहेगा, यहां से लेकर यहां तक का एरिया गेन करना कोशिश करेगा। ये भी क्या करेगा साहब कि मैं यहां से यहां तक का एरिया गेन करूं, लेकिन अब यहां देखो
ये यहां से यहां तक इसको गेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के पास पास में आ जाएंगे। जब पास में आएंगे तो क्या होगा, यहां पे इनमें बीच में रिपल्शन लगता है। क्या होगा यहाँ पे, रिपल्शन होगा। वो रिपल्शन से क्या होता है, सबसे ज्यादा इन्हीं में लगता है। क्यों? क्योंकि आवास बताता हूं, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है वो क्या होती है कि वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम स्पेस गेन करें। अगर मान लो मैं अभी फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन हूं तो मैं क्या करूंगा, सब जगह घूमूंगा। लेकिन मान लो मैंने यहां लाके फिक्स कर दिया अपने दिमाग में, तो मेरे पास क्या होगी, इतनी सी जगह होगी सपोज। अब दूसरे वाला एक और लगूंगा पीछे, इतनी सी जगह हो जाएगी। तो दोनों क्या करेंगे, बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक दूसरे क्या करेगा, धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा, इसके वाले केस के अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है सपोज। दूसरी, अब यहां मैं बात करता हूं, इसका वाला एग्जांपल ले लेता हूं। देखो बॉन्ड पेयर में क्या होता है, मान लो यहां मैंने क्या कर दिया, किसी इलेक्ट्रॉन को लाके मैंने यहां फिक्स कर दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा हुआ है, कि दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होता है, अटैच है। तो ये यहां से क्या होगा ना, फैलने की कोशिश नहीं कर पाएगा, ग्रो मतलब बड़ एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। जब एक्सपेंड नहीं हो पाएगा तो इसकी क्या होगी, पोजिशन फिक्स हो गई। तो इसलिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में लगने वाला कौन सा हो जाएगा, यहां पर ये वाला रिपल्शन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां क्या है, कम है थोड़ा। मान लो एक और मैंने अटैच कर दिया, तो देखो ये क्या है, फिक्स है। ये यहां से इससे ज्यादा नहीं फैल सकते, ये इससे ज्यादा नहीं फैल सकता। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल लोवेस्ट कैटेगरी का होता है, जो कि हम बोलते हैं बीपीपी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पूरी बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या बोलता है, देखो लोअर पेयर रिपल्शन फोर्स। ध्यान रहे यहां पर मैं बात करने किसकी करने जा रहा हूं। सपोज मैंने ले लिया यहां पर एग्जाम्पल NH3 और दूसरा ले लिया मैंने NF3। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, NH3 और NF3। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करना चाहूं तो इसमें क्या हो गया, NH3 की में ये लोन पेयर, ये H, ये H और ये H। NF3 की बात करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, N ये लोन पेयर, ये F, ये F और ये क्या हो गया साहब, अपने पास F हो गया। हमें पता है फ्लोरीन का फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं साहब, 7 होते हैं। तो इसमें क्या होगा, लोन पेयर भी होगा। तो ये भी क्या है, लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर अगर पास में, देखो यहां भी लोन पेयर है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या जाएगा, अपने पास NF3 इज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू द NH3। बात समझ आ गई, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनाने की बात करी थी। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक दूसरा है बॉन्ड एंगल के बारे में। पहला बॉन्ड लेंथ था, बॉन्ड लेंथ हमने क्या पढ़ा कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है पहले तो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, बॉन्ड मतलब कोवेलेंट रेडियाई पढ़ लिया और कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ भी हमने पढ़ ली। उसके बाद उसको कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, तो बॉन्ड लेंथ को पहला पढ़ा हमने कि कौन सा प्रोपोर्शनल होता है, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहला क्या लिखा था हमने कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरा साइज के साथ पढ़ लिया। तीसरा क्या पढ़ लिया हमने, एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड पढ़ लिया। और फोर्थ हमने उसमें लोन पेयर की बेसिस में रिपल्शन की बात कर ली। चलें उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। अब बॉन्ड एंगल क्या है, मान लो सपोज ये थ्योरी तो आप पढ़ी लोगे, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, क्या कर रहा हूं देखो, माना कि मैं हूं तो मेरे पास क्या है, ये जो हाथ वाला ये एरिया ना, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला एरिया, यहां क्या है मान लो कोई एलिमेंट है, यहां क्या है मेरे पास कोई एलिमेंट है, वो अटैच हो गया। ये क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ है। ये क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ है। ये भी क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ है। ये दोनों यहां पर अटैच है। अब मान लो कहीं ना कहीं तो मुझे इसको लगाना पड़ेगा ना, जैसे मान के चलो मैंने पास में रख दिया या यहां रख दिया, तो इनके दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। बात में आ गई, दो एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल बोलते हैं। चलिए आगे देखो क्या बोलते हैं। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, और बॉन्ड एंगल को हमेशा किसमें लिखते हैं हम साहब, डिग्री में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे, डिग्री में लिखेंगे। पहली चीज, अब देखो पहला क्या बोलना चाह रहा है, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है, क्या हो जाएगा उसके अंदर, घटता चला जाएगा। बात में आ गई जी। एक एग्जाम्पल लेता हूं, डिटेल से बात तो हम बाद में करेंगे, पहले सिंपल से एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो मेरे पास CH4 है, दूसरा मैंने ले लिया साहब NH3 ले लिया, और तीसरा मैंने क्या ले लिया साहब, H2O ले लिया। तीन चीज ले ली, CH4, NH3 और H2O। अगर मैं CH4 में बात करना चाहूं तो देखो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अभी मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा, केवल अभी सिंपल से बताना चाह रहा हूं कि एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या बोलती है, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मुझे पता है आपको भी पता है। अब यहां पर देखो
कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और 4 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये तो फुल फिल है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहां लिख दूंगा मैं लोन पेयर 0। ठीक, बात करता हूं NH3 की। देखो NH3 की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, लेकिन इसमें प्रमोशन कॉन्सेप्ट नहीं लगता क्योंकि 2D नहीं होता। जब प्रमोशन कॉन्सेप्ट नहीं लेता है, नहीं लगेगा, तो जो N मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, तो वो NH5 नहीं बनाया, क्या बनाता है, केवल NH3 ही बनाता है। पहली चीज तो ये, अब यहां NH3 है तो इसमें क्या है, एक लोन पेयर लगा हुआ है। हमने प्रमोशन कॉन्सेप्ट से आप निकालोगे ना तो आराम से निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें देख लेना है कि इसमें क्या है, इसमें एक लोन पेयर, तो लोन पेयर लिख दिया कितना मैंने, लोन पेयर लिख दिया 1। और यहां बात करूंगा H2O की, तो H2O का जब मैं लिखता हूं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। इसको बनाना चाहूं तो क्या बनूंगा, ये 2s, ये क्या हो गया अपने पास 2p, ये 2s, ये 2p, इलेक्ट्रॉन फिल किया, ये फिल कर दिया। देखो अब मुझे क्या करना है, इस पे दो हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं, तो कर दो ऐड। 1 हाइड्रोजन मैंने यहां ऐड कर दिया और 1 हाइड्रोजन मैंने यहां, मान लो यहां ऐड कर दिया, तो ये दो पेयर बच गए। दो पेयर मतलब क्या है, जिसके ऊपर दो लोन पेयर, लोन पेयर कितने हो गए साहब, यहां पे हो गए 2। हमें क्या करना है, बॉन्ड एंगल ये बोलता है कि लोन पेयर कम होने चाहिए। कम किस में दिख रहा है आपको, CH4 में, तो आपका ऑर्डर क्या आ गया, CH4, उसके बाद में NH3, उसके बाद में क्या आ गया, H2O। ये आपके क्या आ गया, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ गया। सिंपल सा आपको बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर देखने आने चाहिए। लोन पेयर कैसे देखोगे, एक तो प्रमोशन कॉन्सेप्ट से देखोगे और दूसरा क्या देखोगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के थ्रू देख लोगे, पहचान लोगे। तो चलते हैं आगे की ओर। सेकंड बॉन्ड एंगल, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कोई भी मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसके सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। चले एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया NH3, उसके बाद लिख दिया मैंने PH3, उसके बाद लिख दिया मैंने ASH3 और लिख दिया मैंने आगे SBH3। मुझे क्या करना है, इसके अंदर पहले तो आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल एटम कौन सा है। तो हाइड्रोजन तो कॉमन है, तो मतलब वो क्या है, पेरिफेरल एटम है। सेंट्रल एटम कौन सा होगा इसके अंदर, नाइट्रोजन सेंटर, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हो गया इसके अंदर, ये सेंट्रल एटम है। ये क्या है आपके पास, 15th ग्रुप में आते हैं, और 15th ग्रुप में आएंगे तो क्या है, एक ही ग्रुप के क्या है, मेंबर है। हम कैसे चल रहे हैं इसके अंदर, अप टू डाउन चलेंगे। अप टू डाउन चलने पर क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो सबसे कम किसकी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमनी की, सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की अगर ज्यादा हो गई, तो यही तुम्हारा फॉर्मूला था कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहां क्या हो गया ऑर्डर, NH3 PS3 ASH3, ये आपके आगे आ गया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है यहां पे, कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम। पहली बात, पेरिफेरल एटम कौन सा होता है, सेंट्रल एटम के पास में जुड़ने वाला जो भी एटम होता है वो क्या होता है, पेरिफेरल एटम कहलाता है। अब चलते हैं बात क्या है यहां पे, एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया यहां पे NF3, NCl3, NBr3 और क्या हो गया मेरे पास NI3, तीन मान लो मैंने क्या ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया। अब इसमें सेंट्रल एटम तो क्या है, कॉमन है। सेंट्रल एटम क्या था इसका, इसका सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सेम यहां भी क्या है, नाइट्रोजन। जबकि पेरिफेरल एटम कौन सा हो गया यहां पे, पेरिफेरल एटम हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो गया, आयोडीन। यहां क्या बोलना चाह रहा है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम। तो मतलब पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम चाहिए, कम किसकी है, यही तो बात कर रहे हैं। अप टू डाउन चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। तो हमारा ऑर्डर अपने पास मिल गया, क्या हो गया, Ni3, NBr3 और NF3, NCl3, NF3। ये क्या आ गया, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ गया। पूरी बात आपको समझ आ गई होगी, बॉन्ड एंगल में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने बॉन्ड एंगल के अंदर, कि बॉन्ड एंगल
क्या होता है, सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा बॉन्ड एंगल, लोन पेयर पे डिपेंड करेगा, जितने कम लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा क्या पढ़ा कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होता है, और तीसरा क्या पढ़ा हमने कि पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, उतना ही कम होता है। मैंने क्या बोला, ज्यादा बोला वहां पे, ठीक है। चलते हैं आगे, बॉन्ड एंथैल्पी, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया अपने पास, बॉन्ड एंथैल्पी आता है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, मतलब इसको बॉन्ड एंथैल्पी को हम दूसरी बात करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, सो बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। क्या होता है कि मान लो कोई मेरे पास बॉन्ड बना हुआ है, जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है, ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो माना कि मेरे पास क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है HCl का, इसको मुझे अलग अलग करना है, डिसोसिएट करना है। जब इसको डिसोसिएट करूंगा तो किस क्या बनेगा, मेरे पास H प्लस Cl बनेगा या H प्लस Cl माइनस बनेगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको क्या बोला हमने, बॉन्ड एंथैल्पी बात करा। किसमें काउंट करते हैं, किलो जूल पर मोल में बात करते हैं। चलते हैं आगे, ये समझ में आ गया आपको। देखो अब कुछ कॉन्सेप्ट इसके भी हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। किसके प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड ऑर्डर। अब यहां पे बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, ध्यान रखे एक चीज थोड़ा यह बताता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, परसेंटेज एस करेक्टर के। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूंगा तो परसेंटेज एस करेक्टर मतलब क्या होता है, तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन बात करता हूं, एसपी, एसपी टू और एसपी थ्री। एसपी में कितना होता है साहब, ये होता है 50%। एसपी टू में कितना होगा साहब, 33.3%। और एसपी थ्री में कितना होता है साहब, ये 25% का एस करेक्टर होते हैं। एसपी किसका होता है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच का। एसपी टू में सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। एसपी थ्री में सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री। तो देखो एक तो मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि क्या नाम से, एक बार एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को बुलाता है और उसको बोलता है कि आप ऐसा करो एक लकड़ी को तोड़ के दिखाओ, उसने तोड़ के दी, फिर एक बंडल लाके तोड़ उसको बोला तोड़ के दिखाओ, तो उसने किसकी, इससे मोरल स्टोरी क्या पढ़ा था हमने कि एकता में क्या होता है, संगठन होता है। तो वही क्या था, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहां क्या है, ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दिख रहे हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दिख रहे हैं तो इसका क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या जाएगा हमारा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, उसके बाद सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, और साथ में आता है सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री। एक और चीज बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसके जस्ट बाद में आएगा तो हम वहां डिटेल से स्टडी करेंगे इसके बारे में। अभी चलते हैं कौन से, बॉन्ड एनर्जी दूसरा कॉन्सेप्ट, बॉन्ड एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। अगर आपको बॉन्ड लेंथ निकालना आ गया तो उसका अपोजिट करते क्या मिल जाएगा अपने पास, बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करी थी, अगर मैं बात करता हूं यहां पे HF, HCl, HBr और HI, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, हमने वहां बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो क्या पढ़ा था, यहां लिखता हूं नीचे, तो वहां हमने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था क्या देखा था कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखा था वहां पे। तो ऑर्डर क्या लिखा था हमने, यहां लिखा था ऑर्डर HF सबसे कम, HCl, HBr और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, HI। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं साहब, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी की, और बॉन्ड एनर्जी साहब क्या होती है, बॉन्ड लेंथ का उल्टा होती है। तो ऑर्डर क्या जाएगा, HF सबसे ज्यादा, HCl, HBr और साथ में क्या आ गया, HI। तो ऑर्डर आपके पास बॉन्ड एनर्जी का नीचे वाला आता है। अगर आपको रिलेट करना आना चाहिए, एक चीज आ गई दूसरी चीज तो अपने आप क्या करें, रिलेट करके आप निकाल लोगे, रटना नहीं। आगे देखो नेक्स्ट आगे कौन सा, एक आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है कि मान लो कोई भी मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड है और दो एलिमेंट उनसे क्या, हम मान लो दो एलिमेंट उससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल बात करता हूं H2O की बात कर रहा हूं, माना कि इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको इसी जगह इसी पोजीशन पर होल्ड रखने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग।
अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक तो होता है कोएक्सियल और दूसरा कौन सा होता है साहब इसके अंदर, दूसरा होता है कोलेटरल। कोएक्सियल में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, इसमें क्या होती है कोलेटरल में कम होती है। बस में अगली चीज, तो मान लो मैंने यहां लिख दिया कि मैंने ओवरलैपिंग रही पीपी और यहां भी लिख दी मैंने एग्जांपल पीपी, पीपी में मैंने क्या लिख दिया यहां पे लिख दिया कोएक्सियल और यहां लिख दिया मैंने यहां पे कोलेटरल, तो आपको क्या करना है कोएक्सियल पे टिक करके आना है। क्यों? क्योंकि कोएक्सियल ओवरलैपिंग में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेरिजन टू कोलेटरल। पहली चीज तो ये समझ आ गई। दूसरी क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसका एक एग्जांपल बात करना चाहूं तो इसका एग्जांपल देखो क्या मिलेगा अपने पास, जैसे मैंने ले लिया 1s 1s 2s 2s 3s 3s, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है 1s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पीरियड को, 2s सेकंड पीरियड को, 3s थर्ड पीरियड को। तो हम अगर पीरियड की बात कर रहा हूं तो कहां चलना पड़ रहा है हमें, ग्रुप में अप टू डाउन चलना पड़ रहा है, और ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे तो साइज क्या होगा बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसलिए ऑर्डर क्या जाएगा इसका, इसका ऑर्डर आएगा 1s 1s 2s 2s और लास्ट में अब ऑर्डर आएगा अपना 3s 3s। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। चलें तो तीसरा पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो नेम क्या आ रहा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, एस पी और डी की बात कर लेता हूं। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, शेप कैसी होती है इसकी, स्फेरिकल टाइप की शेप होती है, तो इसमें क्या होता है ये कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, ध्यान रहे ये कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। जबकि पी और डी क्या है इसके अंदर शेप कैसी होती है, डंबल, इसकी कैसी शेप होती है डंबल शेप होती है, और इसकी कैसी होगी शेप, इसकी होगी डबल डंबल। डबल डंबल शेप होगी, जब डबल डंबल शेप होगी तो क्या होगा ये दोनों कैसे होते हैं डायरेक्शनल होते हैं। तो अगर आपको एस और कहीं पी मिलता हो तो क्या होगा आपको पी टिक करके आना, क्योंकि पी में क्या है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है कंपैरिजन टू एस क्या होती है ज्यादा होती है। समझ में आ गई आपको बात, चले आगे की ओर। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे एस एस और एस पी और पीपी, तो हमें पता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसमें हो गई पीपी में ज्यादा हो गई, एस पी में कम हो गई, लास्ट किसमें हो गई एस एस में कम होती है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसके अंदर पीपी, उसके बाद ऑर्डर लिखता हूं यहां पर 3 2 और क्या आ गया ऑर्डर प्लस 1 आता है। चलें बॉन्ड स्ट्रेंथ बताई दिया मैंने, परसेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। लास्ट वाली जो स्लाइड थी उसके अंदर मैंने यही बताया है कि इसमें परसेंटेज एस करेक्टर समझा दिया आपको अच्छे से, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर बात एक ही है, दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पूरी बात आपको समझ आ गई, चलते हैं आगे की ओर। बात करता हूं मैं इसके अंदर नेक्स्ट, अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट आया कौन सा है बॉन्ड ऑर्डर, क्या गया बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो हम यह कहां पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं। अभी के हिसाब से केवल इतना ध्यान रखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अब मान लो मैं एग्जाम्पल की बात करना चाहूं तो याद क्या करना है आपको कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है साहब, 1 होता है, ओ2 का कितना होता है साहब 2 होता है, N2 कितना होता है 3 होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा डिले कर लो क्योंकि जो चीज जहां आएगी वही चीज पढ़ने में मजा भी आता है। तो चलते आगे की ओर, क्या है देखो, अब देखो पूरा आ गया पूरा, मैंने कॉन्सेप्ट जो जितने बॉन्ड पैरामीटर हमने पढ़े हैं उसका निचोड़ मैंने यहां निकाल दिया। क्या निकाल दिया साहब, कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ये पढ़ रहे हैं सेम, मतलब इससे प्रोपोर्शनल होगा तो इससे प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या लिख दिया यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके परसेंटेज एस करेक्टर के, उसके साथ किसके सब किसके प्रोपोर्शनल हो गया इस, मतलब बॉन्ड स्टेबिलिटी के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा साहब, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के। अगर आपने बॉन्ड लेंथ निकालना सीख लिए या बॉन्ड एंगल निकालना सीख लिए तो ये सब उसके बेस पे आपस में कोरिलेट कर लेते हैं। एक ऑर्डर आपने निकाल लिया तो उसके बाद इसका उल्टा करते जाओ अपोजिट करते जाओ, आंसर आपका अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल मैंने बात की थी कौन सी, एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई की बात कर रहा हूं।
इसका बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर था वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या था साहब? इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था हमारे पास ये वाला। अगर मैं इसे बात करूंगा किसकी, मैं बात कर रहा हूं किसकी, बॉन्ड बाकी सबकी, बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, परसेंटेज सेलेक्टर की, बॉन्ड स्टेबिलिटी की, तो इसका अपोजिट क्या जाएगा इसके अंदर? एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, ये सब का आंसर ये हो जाएगा। कुछ नहीं, एक चीज आपको निकालना आना चाहिए, दूसरी चीज तो आप अपने आप निकाल लोगे। पूरी बात समझ में आ गई होगी, चलते हैं आगे की ओर। क्या है देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो कॉन्सेप्ट किसका है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो ध्यान रखें एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट लगा देना है। क्या है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कि किसी भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। साइज जितनी कम होगी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी क्या होती है, टेंडेंसी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां एक एग्जांपल ले लिया हुआ है मैंने, क्या लिया है एग्जांपल कि O2 एग्जिस्ट इन नेचर बट S2 कांट एग्जिस्ट इन नेचर। O2 तो बनता है लेकिन S2 नहीं बनता, तो उसका आंसर क्या है कि O2 में जो बात कर रहा हूं, O2 में ऑक्सीजन है। क्या है O2 में? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, स्मॉल साइज की होती है, तो इसकी क्या होती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होगी कंपैरिजन टू सल्फर। बात समझ में आ गई, आपको कॉन्सेप्ट वो ध्यान रखना है, साइज बढ़ेगी तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम हो जाती है। ये ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, करेक्ट मतलब आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, करेक्ट ऑप्शन वाले मिलेंगे, सब कुछ मिल सकता है। दूसरा N2 exists in nature but P2 नहीं, सेम आंसर, N2 इज स्मॉलर देन फॉस्फोरस देन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन टेंडेंसी, सॉरी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो गया इसके अंदर, क्या होती है, ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन, फास्फोरस के कंपैरिजन। सेम यहां देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनती है लेकिन सिलिकॉन मोनोऑक्साइड नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, साफ साफ यही रीजन है कि कार्बन की साइज छोटी होती है, सिलिकॉन की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। बात पूरी पूरी समझ में आ गई होगी, चलते हैं आगे की ओर। इंपोर्टेंट टॉपिक, इस पे इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहां से भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि मान लो कोई मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दी, उस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद किसी भी एलिमेंट पर कितना चार्ज आएगा वो कौन बताता है, फॉर्मल चार्ज बताता है। अब फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, देखो कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस वन बाई टू इंटू टोटल बॉन्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रहे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट निकाल रहा है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उस पर कितने लोन पेयर लगे हैं या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके नंबर माइनस वन बाई टू उसके साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको लिखना होता है। एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, मान लो मैंने ले लिया यहां पर एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया मैंने इसके अंदर, ओ ओ थ्री, क्या लिया मैंने एग्जाम्पल O3। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करना चाहूंगा तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो क्या लिखना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर, मतलब हमें क्या बच रहा है इसके पास, ये शेयरिंग हो गया मतलब फोर तो कंप्लीट हो गई, फोर और बाकी है तो फोर लिख दो ये इस प्रकार से, ठीक। ऑक्सीजन याद करना चाह रहा हूं, यहां पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कंप्लीट हो गया, कितना बच गया, एक पेयर बचा हुआ है ऑक्टेट कंप्लीट होने के अंदर। हमें क्या लिखना है, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देनी है। इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, देखो क्या है इस वाले केस में, टू मतलब एक बॉन्ड पेयर बना हुआ है, एक बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टू की शेयरिंग हो रखी है तो मतलब टू की हो गई, कितना बच गया, थ्री बच गया। अब चलते हैं फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। माना कि इस ऑक्सीजन को मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, थर्ड नाम दे दिया। तो मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो यहां क्या लिखा मैंने, यहां पर यहां लिखा मैंने फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन,
क्या हो जाएगा फॉर्मल चार्ज में, हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p4, आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया 2 वाला, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 क्या है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखा मैंने यहां पे 6 माइनस, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, देखो इसमें एक लोन पे कितना लगा हुआ है, एक लोन पे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना लिख दो 2 माइनस 1/2 इनटू कितने बॉन्ड बने हुए 1 2 3 बॉन्ड, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये लिख दो 6, 2 को 6 से कैंसिल किया कितना 3 टाइम, तो क्या आ गया अपने पास 6 माइनस के 2 माइनस के 3 कितना आ गया साहब 6 माइनस 5 इक्वल टू प्लस का 1, मतलब इस पे ऑक्सीजन पे प्लस 1 क्या है फॉर्मल चार्ज, आराम से निकल गया। दूसरी बात करते हैं, देखो दूसरी बात सेकंड वाले ऑक्सीजन की, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड ऑक्सीजन क्या है कि साहब देखो सेकंड ऑक्सीजन के अंदर ये इसकी स्ट्रक्चर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे लेकिन नॉन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं इसके ऊपर, क्या आ जाएगा 6 माइनस के 4 माइनस के हाफ इंटू टोटल बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास अपने पास 1 2 3 4, क्योंकि दो बॉन्ड बने हुए हैं ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, तो ये आ गया अपने पास कितना 4, 2 से 4 कैंसिल किया 2 टाइम, तो क्या आ गया अपने पास 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो मतलब सेकेंड वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना आया 0, वैसे ही किसका निकालना चाहता हूं थर्ड वाले ऑक्सीजन का निकालना है, तो निकालो थर्ड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन कैसे निकालूंगा साहब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं एक लोन पेयर दो लोन पेयर तीन लोन पेयर कितना हो गया डबल 6 हो गया, ये हो गया 6 माइनस के हाफ इनटू कितने बॉन्ड बना रखा है, ये इसने बॉन्ड बना रखा है एक, एक बॉन्ड में कितने कितना इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल किया कितना आ गया 1, 6 माइनस 6 माइनस 1 6 से 6 गया तो कितना बच गया माइनस का 1, तो मतलब इस वाली ऑप्शन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया माइनस का 1 फॉर्मल चार्ज आ गया। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी, क्या पढ़ा हमने और 3 लिया उसमें हमने नेम लिख दिए इनके, और नेम लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दी, उसके बाद मैंने एक एक एलिमेंट को लिया उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे उसमें नॉन बॉन्डिंग कितने हैं बॉन्ड कितने बना रखी है उस आधार पर मैंने क्या कर दिया पूरा का पूरा फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। चले एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, माना कि एक एग्जाम्पल और ले लिया मैंने, मैंने लिया यहां पर SO4-2 स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ ये होती है, हमें क्या करना है इसका बना देना है, ये बना दो अपने पास, चलो ये बना दिया, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसका क्या करेंगे, इस जो ऑक्सीजन दी हुई है जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है उसको क्या बोलेंगे हम फर्स्ट बोल देते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है उसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम सेकंड नाम दे देते हैं, कि सेकंड ऑक्सीजन कौन सी आ गई जो सिंगल बॉन्डेड है और जो डबल बॉन्ड जुड़ी हुई है उसको क्या बोलेंगे हम फर्स्ट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो चल रहे हैं इसका फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मल चार्ज हम इसका निकालेंगे, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने पहले बता दिया कि ऑक्सीजन कितना होता है, देखो ऑक्सीजन पे 1s2 2s2 2p4 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो आओ क्या कर देना है यहाँ पे 6 लिख देना 6 6 माइनस इसमें क्या है देखो लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर 1 और 2, जब इसमें 2 लोन पेयर है चाहे यहां बात कर लो चाहे यहां बात कर लो, तो जब इसमें 2 लोन पेयर है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए डबल कर देना 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया इसके अंदर 4 लिख देना है हमें यहाँ पे, आगे माइनस क्या करना है इसके बाद 1/2 लिखना है हमें, कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए क्या करोगे इसका डबल, तो 2 का कितना हो गया 4, तो यहां लिख देंगे क्या 4, कैंसिल किया कितना आ गया 2, तो कितना आ गया हमारे पास 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 क्या है उस डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0 आ गया। मुझे क्या निकालना है साहब, मुझे निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा इसका सेकंड ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना रहेगा 6 रहेगा फिक्स है, क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। दूसरा क्या करेंगे हम इस पे लोन पे कितने हैं, लोन पे कितने हैं 1 2 3 3 का डबल कितना हो गया 6, तो 6 माइनस का हाफ इनटू
कितना बॉन्ड बना रखा है इसने, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, तो ये टू, ये टू से टू कैंसिल कर दिया, कितना बच गया अपने पास, सिक्स माइनस सिक्स माइनस वन, सिक्स से सिक्स कैंसिल कर दिया, कितना आ गया माइनस का वन। तो मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो क्या बनेगी, ओ डबल बॉन्ड ओ, एस बॉन्ड ओ माइनस, ये ऐसा ना ऐसे लिखूंगा ना, साथ में ये ओ, मतलब इससे चार्ज क्या आएगा अपने पास, मैं इसे लिख दूं, चार्ज कितना आएगा माइनस आएगा, इससे माइनस आएगा और ये क्या आ गया स्ट्रक्चर, तो ये क्या आ गया SO4 माइनस 2 की स्ट्रक्चर होती है। तो आई थिंक फॉर्मल चार्ज आपको लिखना समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हमको यहीं फिनिश करते हैं, तो आज की क्लास अपनी क्या है यहीं फिनिश होती है। हमने इस वाली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बॉन्ड पैरामीटर पढ़ लिए हैं, उनका रिलेशन पढ़ लिया है, बॉन्ड एंगल कैसे निकलता है सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ लिया। आपको पूरा कॉन्सेप्ट अगर दोबारा पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा एक बार। सेकंड हमने क्या पढ़ा, एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी वाला भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, साथ भी हमने फॉर्मल चार्ज की डिटेल स्टडी कर ली है। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, और इसी एनर्जी के साथ हमें कौन सा है नेक्स्ट क्लास आपका, हाइब्रिडाइजेशन वाला, तो आपको उसको देखना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।